जो मिस इंडिया थी उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपकी तो पिक्चर पोस्ट की और उनको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे कि इनका ऑटोग्राफ लेकर आए। स्टोरी वॉज वेरी क्लोज टू रियलिटी। फ्री एपिसोड बहुत इमोशनल था, इवन आई गॉट इमोशनल। आई थिंक आई एम वेरी लकी अबाउट इट। और ये सिर्फ मेरा किरदार नहीं था, इसमें सबका टीम वर्क था। लुबाब का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और नेगेटिव कैरेक्टर करना बहुत मुश्किल होता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। दिस स्टोरी वॉज वेरी क्लोज टू रियलिटी, तो आई थिंक ये सबको बहुत पसंद आया, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा गया, ये वर्ल्ड वाइड देखा गया, एंड दैट्स योर प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। और आखिरी एपिसोड बहुत इमोशनल था, इवन आई गॉट इमोशनल, बट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टू एंटायर टीम। आई एम वेरी लकी अबाउट इट। और ये सिर्फ मेरा किरदार नहीं था, इसमें सबका टीम वर्क था। माय डायरेक्टर एंड ऑब्वियसली द क्रू, दे ऑल यू नो, दे सब ने बहुत ज्यादा एफर्ट इसमें की है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन। मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट पढ़ूंगी, और जब मैं गो थ्रू कर लूंगी, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको 2 से 3 बार पढ़ूं, और उसके बाद मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मैं वो करना पसंद करूंगी। लुबाब का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और नेगेटिव कैरेक्टर करना बहुत मुश्किल होता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। Being a Miss Pakistan, I was on my beauty pageant in China. तो मुझे वहां से पता चला कि इंडिया में ये बहुत देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पे जो मिस इंडिया थी उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपकी तो पिक्चर पोस्ट की और उनको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे कि इनका ऑटोग्राफ लेकर आए। तो इसका मतलब है कि हमारा ये ड्रामा पूरे इंडिया में देखा जा रहा है। सो आई फील वेरी लकी, एंड थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। या थैंक